ठीक है, अब हम एक और नए रास्ते जा रहे हैं, एक्साइटिंग होगा ये सब। इसको भी दूसरी दुनिया पे जाना है तो पिंकू से संपर्क करें, इसको वहाँ का रास्ता बताया है जो शांति मिली है और उसके बाद एक्साइटमेंट इतनी जागी है, मज़ा आ रहा है। हम करेंगे कंगारू वॉक, फिर बात आ गया तो लगे धर्मपाल अच्छा लगे अच्छा लगे पिंकू खीर मिल रही है, हम सबसे पहले वो खीर ही खाएंगे क्यों पिंकू है ना। यस ये पिंकू हमें पता नहीं कब से कितनी गलियों में घुमा चुका है और घुमाते जा रहा है और हम ये वो पापा की परियां पिंकू एक घर में एक सीक्रेट सुनाने वाला है। क्या सीक्रेट? देखो आम आदमियों के चलते हैं चलते टिक्का चुड़ी गया सड़ना तो फोन कितनी बार बोलता था चौधरी पता नहीं जानती थी। तो हम मेरे को पिंकू को बड़ी शांति मिली यहाँ पर, तो हम थोड़ी देर बैठने का हमने फैसला किया मैं और पिंकू ने, तो हम यहाँ बैठे ये गर्म ही होगा नहीं हमारे लिए ठंडा चले गए कहीं चले गर्म है आम आदमियों के चलते हैं चलते टिक्का चुड़ी गया क्या करते हैं आम आदमी के टिक्की नहीं छोड़ते तो तेरा टिक्का पिकड़ गया है पिघल गया टिक्का तेरा मेरा नहीं ऐसे बोलते कपड़ी बोलते हैं आंटी को कपड़ी बोलता है ऐसे बोलते हैं कपड़ी पुजारन को कपड़ी बोलता है कपड़ी बोलता है कपड़ी बोलना ये देखो कितनी अच्छी कटिंग कर रखी है पेड़ की तो हमें लगी गर्मी और हम चले अब दूसरी जगह पे क्योंकि देखो पिंकू का पछवाड़ा सड़ गया पूरा और उसका टीका भी पिघल गया है। ठीक है अब हम एक और नए रास्ते जा रहे हैं, एक्साइटिंग होगा ये सब। देखिए अब कौन से नए रास्ते जा रहे हैं पिंकू वहाँ एक सड़ना तो फोन कितनी बार बोलता था चलो तेरी पता नहीं जानती तेरी चल चल पिंकू एक घर में एक सीक्रेट सुनाने वाला है। क्या सीक्रेट? देखो मंडी में आपदा से पहले जोर नहीं बोल पीछे आवाज आएगा तेरी आवाज नहीं। देखो ये मंडी में आपदा से पहले होता क्या पर चल साउंड आ गया तेरी आवाज तेरा जैसे तू बोल रहा है नहीं सुनाई देना। देखो मंडी हाँ अब बोलो पिंक क्या करता है? मंडी से पहले आपदा आई बंदे बैठते थे पहले जब नौ को आई बाहर नीचे पंचपत्र में बैठते थे सारे बंदा बंदी। आजकल बंदे शिफ्ट हो गए हैं आज कटारना आते हैं बंदे नीचे नहीं बैठते। देखो रोमांस की बात कर रही है समझ गया मैं तेरी बात दिखाता हूँ मैं प्रकृति नीचे ये कुछ रोमांटिक चीज़ें बता रहे हैं हमें पिंकू देखिए कुछ कपल के सीक्रेट रिवील करने की कोशिश कर रहा है पिंकू ऊपर साइड भी गए हैं। चलो हमें क्या करना है पर चल 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 हमें नहीं करना आपके लिए हम भी वही कट नहीं नहीं ये कोई हम कंटेंट नहीं डालेंगे ये हम कट कर देंगे ये सिर्फ ये देखो हम नरेश से जा रहे हैं सीक्रेट क्या है इतनी बड़ी सी है चले एक नए सफर पे वैसे ये रास्ता तो पक्का ही है इस रास्ते हम पहले क्यों इस पे क्यों नहीं आए हम दूर था ये रास्ता दूर था इसलिए हम इस रास्ते से नहीं आए कर रहे थे पहले और मैं नखरे करता था पिंकू बोल रहा है मैं नखरे करता था मैं नखरे करता हूँ बताना कमेंट में मेरे को लिख के मैं नखरे करता हूँ ओवर एक्टिंग जरूर करता हूँ नखरे नहीं करता मैं पिंकू क्या बोल रहा था मैं सर जो भी एक्टर लोग है वो नखरे करते हैं हाँ ये बात है तो थोड़ा ड्रामा तो चाहिए होता है लाइफ में क्यों है ना सही बात है ना ड्रामा तो चाहिए होता है लाइफ में
बिना ड्रामे के क्या मज़ा। ये देखो ये सीढ़ियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी ना, तो पिंकू उछल उछल के जा रहे, तो हम भी उछल उछल के जाएंगे। अब कैमरा ऑन करते ही पिंकू की शराफत। ये देखिए इसका बचपना। वैसे बचपना तो हम सब में ही होता है, पर इसका देखो बचपना। अभी देखो सीढ़ियाँ कितनी हैं, सीढ़ियाँ हम इन सीढ़ियों पर फिर से कूद कूद के जाएंगे। अब हम करेंगे कंगारू वॉक। कैसी लगी कंगारू वॉक? हिमाचल का कंगारू जिंदाबाद, हिमाचल का कंगारू जिंदाबाद। देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि हिमाचल में भी कंगारू पाए जाते हैं, या आप देख रहे हैं। देखो हिमाचली कंगारू, हिमाचली कंगारू है। हेलीकॉप्टर वैसे सच क्लियरता हूँ बढ़िया। चलो मैं आपको हेलीकॉप्टर दिखाऊँ। ले हेलीकॉप्टर से नहीं गया, हाँ जी उठा गया हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर नहीं बोल देना, जो कौन कौन जो उठा है यहाँ यहाँ। ओहो ये जी जी वो पापा की परियाँ, पापा की परियाँ बोले। आपने तो इशारा उनकी तरफ ही किया। हेलीकॉप्टर दिखा, ये देखो अंजीर क्या बोलते हैं इनको, झीर हम इनको बोलते थे बचपन में, झीर। जब भी हम दिल्ली से आते थे हिमाचल, तो हम तो इनको हेलीकॉप्टर ही बोलते थे। आप इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, हम इनको झीर बोलते हैं। झील झील, हाँ हाँ मंडी की झील, मंडी की। अरे झीर बोलते हैं उनको। ये देखो कितनी मार्केट रखी हुई है आग लगाने के लिए, माचिस। देखो कितनी व्यवस्थित कर देते हैं, हमें दे देते दो दो टुकड़ा ला के। ये देखो ये खुफिया रास्ता, ये जरूर हॉन्टेड घर है या फिर कुछ रोमांटिक। यहाँ पर कोबल जाता है रोमांस करने के लिए, मुझे पता लग गया। झाड़ा गुज्जा, झाड़ा गुज्जा नहीं बोल देते जो वो चीज दिखा नहीं करता। आप देखना तो भटकता है। यस ये देख, अब जब भी मंडी आए और तारना मंदिर जुड़ जाए, गर्मी तो बहुत लग रही है पर वहाँ जाके जो शांति मिली है ना भाई, कसम से मैं कह नहीं सकता, इतनी शांति मिली है ना, इतना अच्छा लग रहा। मतलब फुल शर्ट पसीने से भीग गया, गर्मी लग रही है बहुत। ये देखो पिंकू को गर्मी लग रही है, पर जो मज़ा आया है हमें, जो शांति मिली है और उसके बाद एक्साइटमेंट इतनी जागी है, मज़ा आ रहा है, फुल मज़ा एंजॉय। तो हम पहुँच रहे हैं अपने रास्ते की तरफ, पहुंचने ही वाले हैं। और अभी हम नीचे देखा था वहाँ पर खीर मिल रही है, हम सबसे पहले वो खीर ही खाएँगे क्योंकि पिंकू है ना। फिर हम खाना भी खाने वाले थे, पर पिंकू कह रहा कि खाना नहीं खाएंगे, पिंकू सिर्फ खीर ही खाएगा, क्योंकि ये इसका कुछ अलग ही फंडा है। ये कहता है कि मैं लंच नहीं करता है पिंकू, ये कैसा फंडा है लंच नहीं करने। तो ये कह रहा मैं खीर खाऊंगा और मैं खाना खाऊंगा धाम, जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था हमने धाम खाई थी, तो हम वहीं जाएंगे धाम खाने। ठीक है हिमाचली धाम खाएंगे, मैं खाऊंगा धाम इतनी धाम और खीर भी खाऊंगा साथ में। तो पिंकू सिर्फ खीर खाएगा जो हम खाएंगे महामृत्युंजय मंदिर में। ठीक है तो फाइनली हम मेन सड़क पर पहुँच गए। ठीक है और ये देखो ये मंडी का सेंटर है जहाँ लिखा आई लव मंडी। ये रास्ता है, एक रास्ता ही जाता है ऊपर के लिए तारना मंदिर के लिए, और ये मेन सड़क है आई लव मंडी लिखा है, यहाँ से आना है आपको। ठीक है पिंकू हमें पता नहीं कब से कितनी गलियों में घुमा चुका है और घुमाते जा रहा है और हम जा रहे हैं वहाँ पर धाम खाने नीचे, जो हमने पिछले ब्लॉक में खाई थी धाम। तो ये कब से गलियों में घुमा रहे करें, ये शॉर्ट रास्ता है और कब से घुमाया जा रहा है और अब तब से हम पहुँच ही नहीं आ रहे गलियों का मारा पिंकू, गलियों का मारा इसको, तब से घुमा घुमा के हमारा पसीना निकाल दिया। पर ये कि बात है गलियाँ ठंडी हैं,
अगर तुम गर्मी में मंडी में घूम रहे हो तो गलियों में घूमो, गलियाँ ठंडी हैं। पिंकू निके ने मत छत चला गया था एक सप्ते को मंडी में, पिंकू पिंकू नाम से लड़कियाँ बोलेंगी पिंकू पिंकू, आपको लड़की तक ऐसे बोले धर्मपाल अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगा। कोई लड़की तेरे पास आ गया तो बोलेगा धर्मपाल अच्छा लगा, अच्छा लगे ना पिंकू ऐसे छेड़े तो अच्छा लगेगा ना, कैसे लगे धर्मपाल। मैं जलेबी की तरह सीधा हूँ, मैं जलेबी की तरह सीधा, देखो ना सीधा जलेबी की तरह, जलेबी भी थोड़ी टेढ़ी होती है पर मैं सीधा हूँ बिल्कुल। गलियाँ ठंडी है, मज़ा आ रहा है गलियों में घूम के, ठंडी 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 एकदम जलेबी, ठंडी ठंडी पसीना पड़ गया ना कपड़े में, और जो हवा चल रही है ठंडी 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 लग रही है, मज़ा ही आ रहा है। अब शायद हम पहुँचने ही वाले हैं यहाँ से वहीं पर हम रुद्र मंदिर, आज हम जाएंगे सीधा शमशान, शमशान घाट जाएंगे ना, वहाँ हमको जाने का शौक नहीं है। कैसे जलाए जाते हैं, हाँ कैसे जलाए जाते हैं, किस इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया जाते हैं लोग, देखो दिखाते हैं जिसको जिसको भी दूसरी दुनिया पर जाना है तो पिंकू से संपर्क करें, इसको वहाँ का रास्ता पता है। हाँ जी ठीक ना दादा, तुम है उस दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता, देखो वो दिखा रहा है उधर। तो हम फाइनली पहुँच गए रुद्र मंदिर, अब हम खाते हैं वहाँ बादाम, तो ठीक है आपको मिलते हैं बाद में। दौड़ू आना क्या करना, देखो नीचे तक सीढ़ियाँ एकदम मंदिर तो चले तो चलो ये देखो, मैं गप्पे मार रहा था कैमरा घुमा रहा था सर, मैं अभी पूरा सीन बता रहा था आपको, ये देखो।